मूवी के स्टार्ट में हम एक कपल को देखते हैं जो कि वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में बाइक राइडिंग कर रहे होते हैं। थ्री फिंगर इन्हें छुप कर देख रहा होता है और फिर इनका पीछा करने लगता है। वो सही मौका देखकर एक तीर से उस लड़के पर अटैक करता है, जिसकी वजह से वो लड़का अपनी बाइक से नीचे गिर जाता है। वो लड़की परेशान होकर उस लड़के के पास जाती है और उसी वक्त थ्री फिंगर एक और तीर चलाता है जो उस लड़के के मुंह के आर पार हो जाता है। वो लड़की बहुत परेशान हो जाती है और परेशानी के आलम में वो वहाँ से भागने लगती है। अपनी बाइक चलाते चलाते उसे पता नहीं चलता और वो एक नुकीली वायर में फंस के गिर जाती है। ये नुकीली वायर वन आई और सॉट उसने पकड़ी हुई थी। वो दोनों इसे दर्दनाक तरीके से ऊपर उठाते हैं और थ्री फिंगर यहाँ पर आकर इस लड़की का सर धड़ से अलग कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं डैनी और टोनी को। इसके अलावा इनके साथ इनके कुछ फ्रेंड्स भी होते हैं। ये दोनों और इनके फ्रेंड्स घूमने फिरने के लिए एक होटल में जा रहे होते हैं। बेसिकली कुछ दिन पहले ही डैनी को एक लेटर मिला होता है और उस लेटर में लिखा होता है कि तुम उस होटल के मालिक हो, तुम इधर आओ, हमें खुशी होगी तुमसे मिलके। ये सब देखकर डैनी बहुत खुश होता है और वो इसी खुशी के आलम में अपने दोस्तों के साथ उसी होटल में जा रहा होता है। और अब डैनी और उसके दोस्त इस होटल में पहुंच जाते हैं। यहाँ पे होटल के केयर टेकर्स इनको वेलकम करते हैं, लेकिन ये दोनों केयर टेकर्स इन सबको देख के ज्यादा खुश नहीं होते, क्योंकि इन्होंने सोचा होता है कि डैनी सिर्फ अकेला आएगा, जबकि उसके साथ उसके कई दोस्त आए होते हैं। हम यहाँ पे एक बूढ़ी औरत को भी देखते हैं जो कि उस होटल से चेक आउट कर रही होती है, यानी कि उस होटल से जा ही रही होती है। एक उड़ती हुई कुल्हाड़ी आती है और उसके अंदर घुस जाती है और उसी वक्त उस होटल का केयर टेकर जैक्सन वहाँ पे आता है और उस बूढ़ी औरत की गर्दन को पकड़कर मरोड़ देता है, जिससे वो औरत मर जाती है। और इस होटल में चेकआउट होने का ये अंदाज काफी डिफरेंट है, यानी कि होटल में जो भी चेकआउट होना चाह रहा है, वापस जाना चाह रहा है, उसके पास मरने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होती। दूसरी तरफ डैनी और उसके सब दोस्त उस होटल की एंटीक चीजें देखकर हैरान हो रहे थे, क्योंकि वो चीजें बहुत महंगी थी और वो खुश भी थे कि ये सब चीजें डैनी की होने वाली हैं। रात का वक्त आ जाता है और उस होटल का केयर टेकर जैक्सन जंगल की तरफ जा रहा होता है। यहाँ पर वो इन तीनों भाइयों से मिलता है और उनको समझाता है कि तुम्हें उस बूढ़ी औरत को ऐसे नहीं मारना चाहिए था। और उसके अलावा हमें यही भी पता चलता है कि ये तीनों भाई और जैक्सन आपस में सिबलिंग्स हैं, यानी कि ये सारे भाई हैं। और इसके अलावा वो जो दूसरी केयरटेकर थी वो भी इनकी बहन होती है। अगली सुबह डैनी की क्लोज फ्रेंड होटल में जा रही होती है कि उसकी नजर जैक्सन पे पड़ती है, जो कि एक जगह पर खून साफ कर रहा था। बेसिकली ये वही जगह थी जहाँ पर उस बूढ़ी औरत को मारा गया था, लेकिन वो जल्दी से बगैर कुछ समझे वहाँ से चली जाती है। उन दोस्तों में कुछ दोस्त शॉपिंग के सिलसिले में मार्केट आए होते हैं और वहाँ पर उनकी नजर एक बोर्ड पर पड़ती है जहाँ पर इस जगह के बहुत से मिसिंग लोगों के पोस्टर्स लगे होते हैं, यानी कि वो सब तस्वीरें लगी होती हैं उन लोगों की जो यहाँ से मिस हुए होते हैं। और उसी दौरान शेरिफ भी यहाँ पर आते हैं और एक और तस्वीर लगा देते हैं। ये तस्वीर उसी बूढ़ी औरत की है जो रात को मिस हुई थी। होटल के अंदर जैक्सन डैनी को डिफरेंट हथियार दिखा रहा था। डैनी इन सब हथियारों को बहुत पसंद करता है और वहाँ से एक क्रॉसबो उठा लेता है। जैक्सन डैनी को कहता है कि चलो हम शिकार करने चलते हैं और बिल आखिर वो शिकार करने जंगल में चले जाते हैं। वहाँ इन्हें एक हिरन नजर आती है और जैक्सन डैनी को शिकार करना सिखाता है, लेकिन असल में वो उसे इंसानों को मारने की टेक्निक सिखा रहा था, क्योंकि इसके जहन में बहुत से प्लान्स थे। जैसे जैसे वो उसे सिखा रहा था कि कैसे हिरन को मारना है, वैसे ही दूसरे सीन में थ्री फिंगर भी शेरिफ का शिकार कर रहा था। डैनी इस तरफ हिरन को मार देता है और दूसरी तरफ थ्री फिंगर शेरिफ को बुरी तरीके से मार देता है। दूसरी तरफ हम तमाम डैनी के दोस्तों को देखते हैं। क्योंकि डैनी इनको बताकर शिकार करने नहीं गया होता तो वो सब बहुत परेशान होते हैं। खासतौर पर डैनी की क्लोज फ्रेंड टोनी बहुत परेशान होती है और वो अपने एक दोस्त को उसे ढूंढने के लिए जंगल की तरफ भेजती है। जब ये दोस्त इस जंगल में जाता है तो वो वहाँ पर उस मरे हुए हिरन को देखता है और सॉटूथ उस हिरन को बुरे तरीके से खा रहा होता है। ये दोस्त जब सॉटूथ को देखता है तो बहुत डर जाता है और डर के मारे भागने लगता है। भागते भागते इसकी टक्कर डैनी से हो जाती है, क्योंकि ये बहुत तेज भाग रहा होता है तो वो दोनों खुद को नहीं संभाल पाते और दोनों नीचे ढलान में जाकर गिर जाते हैं। गिरते साथ ही डैनी एक नुकीली तार में फंस जाता है, जिसकी वजह से वो काफी जख्मी भी हो जाता है। उसके साथ का दोस्त मदद के लिए बुलाता है और जैक्सन भी वहाँ पर आ जाता है। जैक्सन डैनी की हेल्प करता है और उसे वहाँ से निकाल कर वापस अपने रिजॉर्ट यानी अपने होटल में ले आते हैं। इस होटल की सेकंड केयर टेकर जो कि लड़की है, वो डैनी का खून साफ करती है, वो उसका ख्याल करती है, उसको मेडिसिन लगाती है। और उसी दौरान डैनी की क्लोज फ्रेंड टोनी भी उस रूम में आ जाती है और वो केयरटेकर सैली वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह डैनी वॉशरूम में होता है और वो अपनी सारी दवाइयाँ फ्लश कर देता है। बेसिकली डैनी हाइपरटेंशन का मरीज था, यानी कि उसे बिना वजह टेंशन हुआ करती थी और वो इसी मकसद के लिए दवाइयाँ लिया करता था। लेकिन पिछले दिन ही उसने हिरन का शिकार किया था और आज उसने अपनी सारी दवाइयाँ फेंक दी, यानी कि उसको किसी की जान लेने में बहुत मजा आया। ये एक्सपीरियंस आज से
पहले उसने कभी फेस नहीं किया था और अब शायद इसे दवाइयों की जरूरत नहीं होने वाली। खाने के वक्त वो अपने दोस्तों को बताता है कि अब मुझे ये रिजॉर्ट ये होटल पसंद आने लगा है और मैं अब यहीं रुकूंगा और इस होटल को मैं चलाऊंगा, इसकी केयर टेक करूंगा। लेकिन बाकी सब लोग यहां नहीं रुकना चाहते थे और वो वापस जाना चाहते हैं। डैनी के दोस्तों में दो दोस्त ऐसे थे जो बहुत लालची थे। इन्हें पता था इस होटल में बहुत से एंटीक्स हैं, बहुत सी महंगी चीजें, तो उन चीजों को चुराने लग जाते हैं। इसी तरह और चीजों की तलाश में वो इधर उधर फिरते रहते हैं और बिलआखिर वो एक सीक्रेट जगह पर जाते हैं जो कि एक बेसमेंट की तरफ खुलता है। मुख्तलिफ कीमती चीजों की तलाश में ये बेसमेंट में चले जाते हैं जहाँ एक बहुत बड़ा एंशियंट स्पा बना होता है। ये दोनों अभी इधर ही होते हैं कि उस होटल की दूसरी केयर टेकर जो कि लड़की है यानी कि सैली, इन दोनों को वहाँ पर देख लेती है और उसी की कुछ देर बाद वो तीनों भाई भी वहाँ पर आ जाते हैं और लड़के के सर पर मार कर उसे नीचे गिरा दिया जाता है। और ये तीनों भाई इस रूम में मौजूद लड़की के हाथ और पांव उखाड़ देते हैं जिसकी वजह से वो लड़की बुरे तरीके से मारी जाती है और ये इस लड़के को भी मारने लगते हैं। लेकिन उसी वक्त सैली उसको रोक देती है और वो इन तीनों भाइयों को कहती है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। सैली उस लड़के को अपने रूम में ले जाकर उसके मुंह पर कपड़ा डाल देती है और उसका दम घोटकर उसको वहां पर मार देती है। दूसरी तरफ डैनी के अंदर बहुत सी चेंजेस आ रही थी। एक तो वो दवाइयां लेना छोड़ चुका था और अब वो बहुत खुश रहने लगा था जबकि पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ये इसकी मुलाकात उन्हीं दोनों केयर टेकर बहन भाई से होती है। केयर टेकर जैक्सन कहता है कि मैं तुम्हें अपने बाकी फैमिली मेंबर से मिलवाना चाहता हूँ और डैनी इसके लिए तैयार भी हो जाता है। दोनों होटल केयर टेकर उसे जंगल में एक छोटे से गाँव की तरफ लेके जाते हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा डिफॉर्म लोग बैठे होते हैं। ये सब डिफॉर्म लोग डैनी की ही फैमिली थी। ये दोनों केयर टेकर डैनी को एक ड्रग देते हैं और सारी बात डिटेल से समझाने लगते हैं। ये सब डिफॉर्म लोग प्योर ब्लड नहीं है क्योंकि इनके एंसेस्टर्स किसी दूसरी फैमिली से थे और डैनी तुम और सैली तुम दोनों प्योर ब्लड हो और जब तुम्हारी शादी हो जाएगी और जब तुम्हारी फ्यूचर जनरेशन आएगी वो बिल्कुल प्योर होगी, बिल्कुल थ्री फिंगर की तरह। यानी कि ये इन दोनों की शादी करवा कर थ्री फिंगर की तरह और उसके भाइयों की तरह और भी बहुत से ज्यादा डिफॉर्म लोग चाहते हैं ताकि इनकी जनरेशन आगे बढ़ सके। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डैनी का एक दोस्त दरख्त के पीछे खड़ा होकर छुप कर इनकी सारी बातें सुन रहा था और उसी वक्त सॉटूथ पीछे से आ जाता है और सुनने वाले को पकड़ लेता है। डैनी का दोस्त उससे बहुत मदद मांगता है कि इन्हें कहो मुझे छोड़ दे, लेकिन डैनी उसकी एक भी नहीं सुनता और वो कहता है कि मैं इसको नहीं जानता। थ्री फिंगर इसके दोस्त को उल्टा लटका कर इसका गला काट देता है जिसकी वजह से खून नीचे गिरने लगता है और वो सब लोग जो आसपास बैठे थे एक प्याला लेकर उसका गिरने वाला खून उसमें भरने लगते हैं और पीने की ख्वाहिश करते हैं। लेकिन थ्री फिंगर को उन सब का बहुत ख्याल था, वो चाहता था कि खून की कमी ना हो तो वो उसको मुकम्मल ही काट डालता है और सब लोग उसका खून पीकर एंजॉय करने लगते हैं और एक खून का प्याला डैनी को भी लाकर दिया जाता है और वो अपने ही दोस्त का खून पीने लग जाता है। अगली सुबह डैनी जब अपने होटल में वापस आता है तो उसकी वही क्लोज फ्रेंड टोनी उसको देखकर परेशान हो जाती है और वो उसे कहती है कि चलो अब हम इस होटल से चलते हैं अपने घर शहर की तरफ। लेकिन डैनी अब उस होटल से उस जगह से वापस बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता था। वो उन सबको कहता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मैं यहीं पर रुकूंगा। और इस वक्त तक डैनी अभी भी ड्रग के ही नशे में है जो रात को सैली ने उसको दी थी। ये सब लोग यहाँ से जाने से पहले किचन में जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि एक इंसान इंसानी मांस को काट रहा होता है, उसे फ्राई कर रहा होता है और उसे खा रहा होता है। ये देखकर ये लोग बहुत डर जाते हैं लेकिन वहाँ से निकलने से पहले इनकी नजर फ्रीजर में पड़ती है जहाँ पर इन्हीं के एक दोस्त का कटा हुआ सर होता है, जिसे देखकर ये सब लोग वहाँ से जल्दी से भागने लगते हैं। ये अभी भाग ही रहे होते हैं कि वो तीनों भाई इनके पीछे पड़ जाते हैं। इन तीनों भाइयों से बचकर कुछ दोस्तों वहाँ से भाग जाते हैं लेकिन एक दोस्त वहाँ से पकड़ा जाता है। वो उसके मुंह पर एक पाइप सा लगा देते हैं और उसके अंदर पानी भरने लगते हैं। इतना पानी भरा जाता है कि पानी के प्रेशर से उसका पेट ही फट जाता है। अब हम दूसरे दोस्त को देखते हैं जो कि पहले तो थ्री फिंगर उसके भाइयों से बचकर भाग चुका था लेकिन भागते हुए वो एक बियर ट्रैप में उसका पांव फंस जाता है और वो वहीं पर गिर जाता है। वो अब कहीं नहीं भाग सकता क्योंकि वो फंस चुका होता है और वो तीनों भाई उसको भी पकड़ लेते हैं और उसके सर पर मारकर उसे भी हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। डैनी की क्लोज फ्रेंड टोनी जो कि डैनी को ढूंढ रही होती है वो वहां से एक गन उठाकर डैनी को ढूंढने लगती है। वो उसी के स्पा में पहुंच जाती है जहां पर उसे सैली नजर आती है और यहां पर इन दोनों की आपस में काफी लड़ाई होती है। बिलाखिर टोनी उस केयर टेकर का मुंह पानी में डाल देती है और अपनी गन उठाकर उसको शूट कर देती है और उसी वक्त डैनी भी वहां पर आ जाता है और अपनी फ्रेंड से सबसे पहले गन छीन लेता है और गोली लगी हुई केयर टेकर यानी कि सैली को जाकर चेक करता है कि उसको क्या हुआ, वो जिंदा है या मर गई। और डैनी अपनी क्लोज फ्रेंड टोनी को कहता है कि यहां से तुम भाग जाओ। जब टोनी वहां से भाग रही होती है तो उसी होटल का दूसरा केयर टेकर जो कि जैक्सन है वो उसका पीछा करने लगता है और इन दोनों में आपस में लड़ाई होती है और बिल आखिर टोनी एक चाबी की मदद से उसकी आंखें फोड़ देती है और इतना जालिम तरीके से मारती है कि जैक्सन भी वहां पर मारा जाता है। इससे पहले कि टोनी वहां से भागती अपनी जान बचाती, डैनी वहां पर आ जाता है
और अपने ही क्लोज फ्रेंड टोनी पर गन तान देता है, जिसका ये मतलब है कि डैनी नहीं चाहता कि अब टोनी जिंदा बचे, क्योंकि वो उसकी फैमिली के बारे में अब बहुत कुछ जानती है और डैनी ऐसा रिस्क नहीं ले सकता था। और तभी थ्री फिंगर और उसके भाई भी वहां पर आ जाते हैं और डैनी अपनी क्लोज फ्रेंड और फैमिली में से अपनी फैमिली को चुनता है और अब थ्री फिंगर टोनी को भी जान से मार देता है। और अब कहानी कुछ दिन बाद की दिखाई जाती है और हम देखते हैं कि डैनी अब उस होटल को चला रहा होता है और वहां पर आने वाली फैमिलीज को वेलकम कर रहा होता है, लेकिन बेसिकली इस होटल की आड़ में इंसानों को मारा जा रहा था और उनको खाया जा रहा था, जैसे कि हम इन तीनों भाइयों को यहां पर इंसानी गोश्त का कीमा बनाते हुए भी देखते हैं। और यहीं पर रॉन्ग टर्न 6 भी एंड हो जाती है। ये मूवी रॉन्ग टर्न सीरीज का आखिरी पार्ट है और इसके बाद अभी तक रॉन्ग टर्न का कोई ऑफिशियल पार्ट रिलीज नहीं हुआ। थैंक यू सो मच।